हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो लेके। तो अगर आपको हमारे टिप्स और ट्रिक्स के ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तांबे की बोतल जो है वो पानी पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और सभी इसका पानी पीते हैं। तो ये बोतल हमारे यहाँ रखी थी बहुत दिनों से और ये वैसे तो अंदर ही रखी थी तो ये रखी रखी बहुत ज़्यादा काली हो गई। तो हमने ये सोचा कि चलो आज इसको साफ़ करते हैं और इसका एक वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है नींबू का अचार। ये बहुत पुराना अचार है और कोई खाता नहीं था तो ये यूं ही डला था। तो हमने आज इसी से आपको हम ये जो तांबे की बोतल है वो साफ़ करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने जो नींबू है उसको इसके ऊपर अच्छे से इसको हम रगड़ रहे हैं और इसमें थोड़ा सा हमने जो खाने वाला नमक होता है वो भी डाल लिया है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो तांबे को साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं और बहुत अच्छे से ये रिएक्ट करती हैं। तो अगर आपके पास तांबा साफ़ करने के लिए कोई कुछ ना हो, जैसे पीतांबरी वगैरह कोई चीज़ ना हो, तो नींबू का अचार तो सबके घर में ही होता है और उससे हम ये जो बोतल है तांबे की या पीतल के बर्तन है वो अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नमक और ये अचार जो है उसको हम दोनों को मिला के अच्छे से इस पर रगड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं इसका जो कालापन है वो धीरे धीरे निकलता जा रहा है। तो इसको लगाने के बाद हम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद आपको हम वॉश करके बताएंगे। आप देखेंगे कि ये बोतल जो है वो एकदम नई जैसी हो गई है। तो यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया है और इसको अब हम जो साबुन है और थोड़ा सा इसको जो बर्तन मांजने वाला जो स्टील का जो जूना है उससे हम इसको अच्छे से रगड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी साफ़ हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बिल्कुल नई है। तो अगर आपके पास कोई चीज़ ना हो ये रगड़ने के लिए तो आप नींबू के अचार से इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो बॉटल है वो कितनी साफ़ हो गई है। तो आशा है आपको ये जो ट्रिक है वो हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा आइडिया कैसा लगा। तो यहाँ पे हमने इसको धो लिया है और एकदम से वो चमक भी गई है, आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि घर पे हम बर्तन धोने वाला जो डिश जेल है वो कैसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक साबुन का टुकड़ा लिया है और इसको हम एक ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट करेंगे और बहुत ही अच्छे से बन जाता है। और इसमें ज़्यादा, क्योंकि अगर हम साबुन को वैसे यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी गलता भी है और बहुत ज़्यादा बर्बाद भी होता है। और साबुन आप जानते हैं बर्तन धोने वाला हो चाहे कपड़े वाला हो बहुत ज़्यादा महंगा आता है और इसको हम यूं ही वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ग्रेट कर लिया है और एक भगोने में हमने थोड़ा सा पानी लिया है, इसको हम पानी को बॉईल करेंगे और जो हमने साबुन को ग्रेट करके लिया था उसको इसमें हम डाल देंगे और एक दो बॉयल आने तक इसको हम अच्छे से खौलाएंगे। आपके पास नींबू है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल दें और जो छिलका है वो भी इसमें डाल दें। उससे क्या होगा कि अच्छी सी खुशबू भी आएगी और आपके जो हाथ हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे बर्तन धोने में। तो इसको अच्छे से हमने घोल लिया है और घोलने के बाद गैस को कर देंगे बंद और इसको होने देंगे हम ठंडा। और ठंडा होने के बाद फिर एक हमने छोटी सी बॉटल ली है उसमें इसको हम स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे से घुल गया है और इसको हम चलाते भी जाएंगे ताकि तली में लगे नहीं। और कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो छोटी छोटी सबके यहाँ होती है तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी बोतल ली है और इसकी जो ढक्कन है उसमें हम एक छोटा सा छेद कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पेचकस लिया है और पेचकस को गैस पे करेंगे गरम और इसकी जो ढक्कन है उसमें कर लेंगे एक छोटा सा छेद। इसको जो साबुन का जो हमने बनाया है घोल उसको इसमें बोतल में डाल के हम रख देंगे। जब भी बर्तन धोना हो तो उतना ही हम निकालेंगे और अपने बर्तन धो लेंगे। तो इससे जो है साबुन हमारा ज़्यादा गलेगा भी नहीं और वेस्ट भी नहीं होगा।
तो आशा है आपको ये जो ट्रिक है वो भी हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो यहाँ पे हमने इसको बोतल में भर लिया है और जो नींबू का छिलका था वो हमने निकाल के फेंक दिया। तो इसी तरह से इसको हम अच्छे से स्टोर कर लेंगे। तो ये बढ़िया सा हमारा जो है वो बर्तन धोने का जेल बनके रेडी हो गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। आपने देखा होगा कि जो सींक वाली जो झाड़ू होती है वो बड़ी जल्दी टूट जाती है चाहे कितना भी हम बांधें उसको। तो आज इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से बाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमने कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बोतल ली है और इसके जो नीचे वाले जो उभरे हुए हिस्से थे वो हमने उसको काट लिया है, उसमें जो बढ़ने की सीख है उसको डाल के और इस तरह से उसको हम गैस पे गर्म करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती है। तो आज हम अपनी बालकनी का आपको जो कैसे हमने इसको इसका मेकओवर किया तो वो आपको दिखाने जा रहे हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनकी डिमांड थी कि आप अपनी बालकनी का हमें मेकओवर करके दिखाइए, तो आज हम आपको वही दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पूरे जो पोर्च है बहुत बड़ा है और इतने बड़े पोर्च में ग्रीन ग्रास जो बिछाना है ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने थोड़े इसके एक हिस्से को ही अच्छे से डेकोरेट किया है। तो यहाँ पे हमने पोर्च की सफाई कर ली है और उसके बाद जो प्लांट कैसे सेट करने हैं इसकी हम बना रहे थे योजना कि कैसे इसको हमें सेट करना है। तो यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं ईंटों के ऊपर ये जो स्कूल के जो बेंच के जो पटे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो वही हमने यहाँ पे रखे हैं। ये बेंच है टूटी हुई, इसको भी हमने अच्छे से बांध के इसके ऊपर पत्थर के कुछ टुकड़े रख दिए हैं, उस पर गमले रख दिए हैं। ये भी एक टूटी हुई बेंच है, उसके ऊपर हमने कुछ जो बोतल होती हैं उसके पॉट बना के रखे हैं। ये हमने फ्रिज की डलिया है उसमें मनी प्लांट लगाया है और ये भी आप देख सकते हैं ये लकड़ी के पुराने पटे हुए हैं उसको हमने पटे हैं जो उसको हमने ईंटों के ऊपर रख के इस तरह से स्टैंड बना दिया है। तो यहाँ पे हमने कुछ खास सामान नहीं लिया है, सब चीज़ें कबाड़ से ही जुगाड़ करी हैं और इस तरह से इसके एक हिस्से को हमने इस तरह से रख दिया है। जो बेंचों के ऊपर गमले हैं और बीच में हमने ये ली थी, हमने 8x4 की आर्टिफिशियल ग्रास जो हमें मिली थी 1300 रुपये में, तो इसको हमने बीच में कर दी है और साइड से हमने बेंच करके इसको अच्छे से डेकोरेशन कर दिया है इसका। और जो धूप वाले प्लांट हैं और कोई ये मनी प्लांट है इसको दीवार की साइड में रख दिया है। और बाकी ये जो सेवंती है, गुलाब है, बारामासी है, नौबजिया है, ये सारी चीज़ें हमने साइड से रखी हैं क्योंकि इन्हें धूप की ज़रूरत होती है। मौसम अच्छा था तो ग्रीन नेट हमने हटा दिया है और बाकी जो इंडोर प्लांट हैं, ये जो छाव वाले प्लांट हैं जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमने इस साइड रखे हैं। तो आपको ये हमारा गार्डन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो अगर आपके पास भी इस तरह की थोड़ी सी भी जगह है और आप इसको अच्छे से सजाना चाहते हैं और ज़्यादा कोई खास आपके पास सामान नहीं है तो बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम चीज़ों से आप अपने गार्डन को सजा सकते हैं, बस शौक होना चाहिए, बाकी सारे काम अपने आप हो जाते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन और थोड़े से कबाड़ से जुगाड़, ये सब चीज़ें अगर मिल जाएँ तो काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। चावल जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, आप सबको पता है, और इसको स्टोर करना बहुत कठिन काम होता है। तो ये कैसे चले ख़राब नहीं हो इसके लिए हमें बहुत ही एक सिंपल सी एक ट्रिक लगानी है और वो ट्रिक है कि जो खाने वाला नमक जो होता है ना वो आप इसमें मिला दें। ये मेरे कम से कम 4-5 महीने से चावल रखे हुए हैं क्योंकि हम लोग एक साथ राशन खरीदते हैं पूरे साल भर का और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं, ना तो इसमें जाले पड़े हैं, ना ही इसमें घुन वगैरह लगा है और ना ही इसमें कीड़े हुए हैं। क्योंकि मैं पहले तो इसको जब बाज़ार से लेके आते हैं तो इसको हमने अच्छे से छान लिया, साफ़ कर लिया और उसके बाद इसमें हमने नमक मिला के रख दिया था। ये मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा से मिला रही हूँ क्योंकि इसमें पहले से ही मिला हुआ है नमक, इसलिए जो चावल है वो हमारे ख़राब नहीं हुए हैं। तो आपको चावल स्टोर करना है तो आप इसमें भी इस तरह से जो खाने वाला पिसा हुआ नमक है वो मिला के रख देंगे तो आपके ये चावल ख़राब नहीं होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।